गगन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। और ऐसा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। मैंने ना कल परसों वाली वीडियो में अपने कमर दर्द के बारे में बताया था। किसी ने भी कमेंट करके नहीं पूछा कि आपकी कमर में कैसा दर्द हो गया और क्यों हो गया, अब कैसी है तबीयत, इतनी बुरी हूँ मैं, किसी को मुझसे प्यार नहीं है। जितने लोग भी देखते हो कम से कम पूछ तो लिया करो कि क्या हुआ। चलो कोई नहीं, छोड़ो। आज मैंने वीडियो कर ली है रात को ही शुरू, अभी 9 बजने वाले हैं और डिनर में आज कुछ अलग बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए पूजा क्या बना रही है। तो आज पूजा बना रही है मलाई कोफ्ता, इधर कोफ्ते बन रहे हैं और इधर चढ़ाए हुए इसमें साथ साथ। मुझे नहीं पता ये कैसे बना रही है, ये अलग से खाने के लिए बना रही है या इसी में डिप करेगी। अभी वो थोड़ा चली गई, पूछेंगे आएगी तब। इसका तो क्या दिखाना, इसकी तो यही फेवरेट जगह है, यही इसका कॉलेज है, यही इसका घर है, यही सब कुछ इसका यही है। तो ये तो यही रहती है, कर ले कुछ, हेलो आए कभी कभार। देखो मेहंदी दिखा दी ना इसने, अब देखो इसने ना अपनी मेहंदी लगा ली और मैंने इसको इतना बोला, इसने मेरे को मेहंदी नहीं लगाई। देख लो इस लड़की को। मैंने बोला था रात को ये हो जाता कि ठंड लगेगी, हाँ। दिन में आपको टाइम नहीं लगता। अच्छा तो मैं क्या करूं? देख लो अब मेरे ऊपर ही बात उतार दी इसने। चलो चलते हैं यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। तो पूजा से पूछते हैं, चलो ये अलग से अभी कोफ्ते कैसे बना रही है? तो अभी इनको वापस डालेगी, इसमें डालेगी फिर से, है? तो तब तक उनमें मसाला चला जाएगा, ऐसे ही रहेंगे वो। अच्छा चलो जी, ऐसे कह रही है ये तो, आप लोगों ने सुन लिया होगा। साथ साथ बनाती रहती, साथ साथ डाल रही है उसके अंदर। चलो सन्नी से मिलते हैं, वो क्या कर रहा है। इसको देखो कैसे बैठा है, गुगी माई बने, ठंड लग रही है। और ले कुछ, चल अंदर बैठ जा, बैठ बैठ, ये नहीं बैठेगा ठंड में, इधर ही बैठा रहेगा ये। सुनो ए, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो बेटा, इतना मगन है खेलने में, दादी की आवाज भी नहीं पहचान रहा जैसे। शिनोए शिनोए इधर देखो, इधर देखो, हेलो करो, कुछ नमस्ते करो। देखो इसको आज कहाँ बैठा है ये वो रबड़ जैसे बलून जैसे होते हैं ना जो बाथटब, वो वाला है ये। तो किसी ने गिफ्ट किया था इसको उस टाइम पे जब ये हुआ था, तो अभी इसमें नहाने लायक तो पता नहीं कब होगा। आज मैंने इसका देखो सीट बना दी बैठने वाली, इसके चारों तरफ कंबल लगा के इसमें इसको बैठा दिया। काफ़ी देर से खेल रहा है ये, और ये इसका फेवरेट टॉय है। इतने सारे टॉयज हैं, किसी से नहीं खेलता, इतना मग्न होके इसको बजा के खिलाते हैं और इसको आगे रख के भी इसी से खेलता है ये। देखो शिनोए बैठ गया, शिनोए को बैठना आ गया, बैठना आ गया शिनोए को। देखो अभी गर्दन को बिल्कुल रोकने लग गया है, हाँ शिनोए बड़ा हो गया है अभी। शिनोए आज 1-2 हो गई। अरे देखो इसने बाल कटवा दिए, इतने बड़े बड़े कितने अच्छे बाल थे, दोनों ननद भाभी एक दिन कटवा के आई थी। देख क्या है ये बनेगी मास्टर नहीं, देखियो दोनों के दोनों कंबल में बैठ के मास्टर नहीं बन रही हैं ये। और क्या, शादियां सब हो गई हैं,
लड़कियों की शादी में तो कन्यादान डल गया था साथ साथ, अब लड़के की शादी हुई थी तो बहू को मुंह दिखाई तो बनता है, तो अभी जा रहे हैं मुंह दिखाई करने। देखो कल जो सूट काट के लेगी थी वो मेरी फ्रेंड है या मेरी चेली है, जो भी लगाओ, आज सिल के भेज दिया उसने। और ये इसका स्टॉल है, ये देखिए, और ये मेरी समधन ने दिया था मुझे पिछले साल सर्दी में, पोता हुआ था उसके, उसकी भी मैंने काफ़ी वीडियो शेयर करी थी, तो उस टाइम में उसने अपना पोता होने की खुशी में ये सूट दिया था। फिर तब तो सर्दी जाने ही वाली थी, जनवरी के लास्ट शे में दिया था शायद, तब तो मैंने ये सिलवाया नहीं, अभी सिलवाया है। देखिए कैसा लग रहा है बताना, सलवार सिलवाई मैंने इसकी गर्म है ना। इन डिब्बों के बारे में पूछा गया था कि ये कांच के हैं या उसके प्लास्टिक के, तो ये प्लास्टिक के हैं। देखो ये जिस टाइम पे मैं ले आई थी ना उस वीडियो में भी बताया था मैंने, ये ढक्कन है, ये प्लास्टिक के हैं ये भी, और इनके ऊपर ना ये एक रिंग लगा हुआ है, ये वाला, ये स्टील का है, और वैसे ये प्लास्टिक के हैं। और जो ये वाले हैं ना छोटे मसाले वाले, ये कांच के हैं, इनका ये भी कांच है, इसके ऊपर ये स्टील का रिंग है, तो ये कांच के हैं। और ये बाकी के ये सारे प्लास्टिक के हैं, ये वाले बड़े भी और ये वाले छोटे भी। वैसे मैं लेना चाहती थी ये भी कांच के, लेकिन सेटिंग बैठी नहीं, साइज का पंगा पड़ रहा था कि मैं ये साइज ना आपके लेके आई हूँ, मेरे को यहाँ रखने थे, और ये बड़े वाले हैं ये भी रैक में ऊपर नीचे साइज के हिसाब से ला रही थी, तो कांच की सेटिंग नहीं बैठी मम्मी, तो फिर मैं ये प्लास्टिक के ले आई। रोटी खा लो। बबीता ने मेरे इस सूट के बारे में पूछा था कि ये सूट कहाँ से लिया आपने, तो ये सूट पूरा का पूरा जुगाड़ से बना है। ये ना एक बार 2-3-4 साल हो गए मेरे ख्याल, लॉकडाउन से भी 1 साल पहले की बात है, इंद्रलोक से लाए थे हम, एक मैं और वो मेरी फ्रेंड जिसने मेरा सूट सिलाया, ये तो ये हम 2 कुर्ती लेके आए थे, ये इसका फ्रंट, ये बैक था एक्चुअली, और इसका फ्रंट था प्रिंटेड साटन हाफ जॉर्जेट करके डिजाइन था वो, अभी उसका फोटो मिला नहीं, मैंने पहले कोशिश करी थी ढूंढने की, अगर फिर भी मिल गया तो मैं लगा दूंगी। तो उसकी जो वो फ्रंट था वो मेरे को लगा कि ये बैक में होना चाहिए इस टाइप का, फिर भी मेरे को अजीब सा लगा, तो मैंने उसका भी फ्रंट ले लिया और अपना भी, और उसकी अलग एक कुर्ती बना ली थी, और ये बॉर्डर था, ये पूरा लॉन्ग था, ये जो बॉर्डर है ना ये वाला, इसके नीचे ये बॉर्डर लगा हुआ था। तो फिर मैंने ये प्लेन जॉर्जेट लेके एक कुर्ती, उसने भी ऐसे ही बना ली अपनी ऐसे प्लेन जॉर्जेट लेके, और एक मैंने बना ली ऐसे ही, और इसके नीचे प्लेन जॉर्जेट का ही मैंने प्लाजो बना लिया, और वो जो कुर्ती थी उसके नीचे मैंने एक उसमें मैचिंग सलवार पड़ी थी पहले की, उसका प्लाजो बनाया था, वो भी बहुत सुंदर लगता था सूट, वो अभी रिजेक्ट हो चुका है मेरा। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया था, ये काफ़ी पुराना हो गया है, 4-4.5 साल पुराना, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है ये बहुत, और इतने पहनने में भी नहीं आते, सूट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वैसे है बहन ये सूट। देख लो एक कुर्ती कितनी बड़ी कहानी निकली है, और ये देखो इसको अभी ये नहा धो के और दोबारा से ऊपर सो गए धूप में, और तब आया है 10 मिनट सोया है बस। क्यों, तो कितनी देर होगी जब उठ गया था, जब उठ का उठ गया था तो खेल के आया भाई, शिनोए खेल के आया है, दो बाल, हेलो हेलो करो, हेलो करो भाई, दो बाल थुचू मार दिया, आहो और खेला खेला किया नंगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।